हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल गया। तो आज का ये वीडियो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण किसके बारे में मिला है, जैसे कि पोषण वाटिका के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर जैविक खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, दैनिक भास्कर में ये खबर छपी हुई है जो, तो पोषण वाटिका क्या होता है और किन आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको ICDS का वो लेटर दिखा दे रहा हूँ जिसमें कि पोषण वाटिका के तहत उस लेटर को जारी किया गया। तो ICDS विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, आप लोग यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे, 15/3/2021 को ये लेटर जारी किया गया था। और इस लेटर में पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका के निर्माण हेतु उपलब्ध जमीन की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में, कहने का मतलब है पोषण अभियान के तहत उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर जहां पे पोषण वाटिका लगाने के लिए जमीन उपलब्ध है उसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ICDS विभाग की तरफ से लेटर जारी करके सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उसकी डिटेल्स मांगी गई थी। नीचे आने पर बताया गया था कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पोषण अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों एवं परिवारों के दैनिक भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति एवं आहार विविधता के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए पोषण वाटिका की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में परियोजना के अंतर्गत वैसे आंगनवाड़ी केंद्र जिनका अपने भवन में जमीन उपलब्ध है वहाँ पर प्राथमिक रूप से पोषण वाटिका की स्थापना की जानी है। तो जैसे कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों का अपना भवन है और उस भवन में जमीन उपलब्ध है वहाँ पर पोषण वाटिका की स्थापना की जानी है। किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र माझी में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका का आकार विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को सम्पन्न हो गया। प्रशिक्षण के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अभय कुमार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण वाटिका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जो कृषि विज्ञान के वरीय वैज्ञानिक अभय कुमार हैं उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण वाटिका के तहत पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों ने कई उपयोगी जानकारी दी। डॉक्टर तनुजा जुकरिया ने कुपोषण मिटाने के लिए पौष्टिक तत्वों से भरपूर पौधों की खेती पर भी जोर दिया। वहीं डॉक्टर सौरभ ने वैसे पौधों व फसलों से होने वाले आर्थिक व पोषण संबंधी लाभ एवं पोषण वाटिका लगाने के आसान तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर सुरेंद्र ने क्यारी में कीट एवं रोग प्रबंधन की चर्चा करते हुए जैविक उत्पादन एवं पारंपरिक तरीकों के बारे में बताया। डॉक्टर विजय कुमार ने पोषण वाटिका के आकार एवं सालों भर चलने वाले फसल चक्र की जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि पौष्टिक तत्वों से भरपूर धनिया, मिर्चा, प्याज, पालक, गाजर, चौलाई, बकला, चुकंदर, मेथी, बैंगन, मूली, करेला, लौकी, नीनुआ आदि की खेती आसानी से की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी अच्छा लगा है, और जानकारी अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।